बदबू कैसी है? बदबू? अरे इसकी बदबू कैसी है? एकदम अगर क्रश का मार लोगी तो लगेगा सर कुछ भी हेवन हेवन कौन गे इधर आ तुम नहीं आता अच्छा हम आएगा ओ मैन तुम परेल का दूध वाला भैया ये दूध का धंधा छोड़ के चरस का इतना बड़ा अड्डा कैसे खोला देखो तुहरे से जेंटलमैन बाबू दूध पिएगा छोड़ दी और चरस पिए लागे तो हम दूध का धंधा छोड़ के अपने चरस का दुकान निकाली बाबू सिगरेट बना दी फर्स्ट क्लास इलाका है जहां हिंदुस्तान की सीमा कई दूसरे देशों से मिली है खबर मिली है कि हिंदुस्तान में गांजा और चरस यहीं से सप्लाई होता है सप्लायर्स का अड्डा कलिमपोंग में है ये लोग कौन हैं और इनके पास माल कहां से आता है ये पता लगाना है मेरे ख्याल में ये सामान जिस मुल्क से आता है उसका मकसद सिर्फ रुपया कमाना नहीं बल्कि हमारे देश के नौजवानों को नशे की लत डालना होगा ताकि आने वाली नस्ल कमजोर हो जाए ठीक है किसी भी देश की ताकत उसके नौजवानों से पहचानी जाती है कालिम्पोंग में एक फेस्टिवल हो रहा है रेस्टिंग का जिसमें तुम जाहिर तौर पर एक पहलवान की हैसियत से हिस्सा लेने जा रहे हो शुभ है कि जो लोग ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उनका इस स्मगलरों से गहरा ताल्लुक है सर डिपार्टमेंट को कोई एतराज तो नहीं होगा अगर मैं अपने आप को खुद एक स्मगलर जाहिर करूं मिशन की कामयाबी के लिए तुम्हें पूरी आजादी है लेकिन तुम्हारा काम सिर्फ इस स्मगलरों का पता लगाना ही नहीं बल्कि देश की आने वाली नस्ल की इज्जत भी करना और उनको बचाना भी है हियर यू आर
सर ये की चेन? लो, माइक्रोफोन डिटेक्टर। और ये जहर की गोली है, अगर पकड़े जाओ और बच निकलने का रास्ता न मिले तो सिखा लेना। देश के लिए जान दे देना लेकिन राज जाहिर न करना। सर कलिम्पोंग में हमारे कोई एजेंट्स हैं? है, लेकिन वो खुद तुमसे मिलेगा। कोड वर्ड है ऊपर वाले से डरो। ऊपर वाले से डरो। Thank you.
का शोर यहाँ तक सुनाई दे रहा था। जाने तुम लोगों पर कौन सा जादू करते हो। थोड़े दिन में तुम भी ये जादू सीख जाओगे। अभी नहीं हो ना, लोगों को लुभाना नहीं जाने। ये कौन सा राज है बता दो। बता दो? हाँ बता दो ना। फिर देखो, तुम्हारा नाच देखने वाले चाहे कितने ही हो, लेकिन इनमें से हर एक को यही लगना चाहिए जैसे तुम सिर्फ उसी के लिए नाच रही हो। और नाचते वक्त जिसकी तरफ देखो ऐसे देखो जैसे तुम सिर्फ उसी की हो। ओ थैंक यू। चलो। कहाँ? बॉस ने बुलाया है। मगर ऐसे? ऐसे ही चलो। बेटी को कैलिम पंप से निकाल ले जाने की कोशिश में हमारे साथ दगाबाजी की, उसकी एक ही सजा। नहीं नहीं मालगन, मुझ पर रहम खाओ। मैं सच कहता हूँ, मैंने तुमसे कोई गद्दारी नहीं की, कोई दगाबाजी नहीं की। मैं तो सिर्फ ही चाहता था कि जिस दलदल में मैं फंसा हूँ, भगवान न करे कहीं मेरी बेटी भी उस दलदल में फंस जाए। तो मुझे डर लगता है कि कहीं ये मेरी तरह देश जो ही ना बने गद्दारे वतन न कहलाए। अच्छा है, कोई देर और बोलो, मगर याद रखो कि अगर तुमने भी वही हरकत की जो तुम्हारे बेवकूफ बाप ने की थी तो तुम्हारा भी यही हश्र होगा। राजपूत ठिकाने लगा दो। जॉय, ये हाँ
ये कोई बिन बुलाए मेहमान है। कैसे? वो हमने एक्सपर्ट्स बुलाए थे ना जूते के लिए इंडिया से, लास्ट मिनट पर ये नई एंट्री है, हमने कभी इनका नाम ही नहीं सुना। उसके कैलिंपोंग आने से उसके जाने तक कड़ी नजर की जाए, इसकी जिम्मेदार तुम। करेक्ट। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। यस, मेरा नाम जॉय है, मैं बॉम्बे से आया हूं। जी हाँ, आपका नाम है? रूम नंबर 17 खटमल लॉज। ए साहब को खटमल लॉज में ले जाओ। चलिए। ये खटमल लॉज नाम ही का है या? जी जी नहीं, जैसा नाम वैसा काम। ओहो, वैसा काम। चलो। रहजन बनकर साथी तेरा चला है तेरे साथ, तू क्या जाने कब आ जाए तूफान और बरसात। कौन है ये? इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, ये कहीं भी पहुंच जाते हैं, मलंग है, दीवाना है। मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। अरे बाबा, ये कुत्ता काटेगा तो नहीं? काटता नहीं, सूंघकर इंसान को पहचानता है, सोच समझ कर देखभाल कर चलना अपनी चाल, सच के आगे ये झुक जाए झूठ की खेचे खाल। बाबा, ये शेर याद कर रखे हैं या मौका देखकर बनाते हो? ऊपर वाले से डरो बच्चा, जब आए हो इस धरती पर जो चाहो सो करो, जीवन है दो दिन का, ऊपर वाले से डरो। बाबा ये लो। ले जा धमको के ले जा। इतने बड़े शानदार होटल में ये खटमल लॉज क्या है? एक खास कमरे का नाम है। खास? बॉय, साहब को कमरा दिखाओ। मिस्टर जॉय, प्लीज मीट मिस्टर डार्को। खटमल? खटमल लॉज। क्यों भाई, तुम्हें लोग जाते हुए टिप देते या आते हुए? आप अभी दीजिए। अभी क्यों? क्यों कि यहां से कोई जाता नहीं। क्या मतलब? ले जाया जाता है। राम नाम सत्य, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य। थैंक यू। यू आर वेलकम। मिस्टर जॉय, बड़े ताज्जुब की बात है कि पहले तो आपने कभी जूडो कंपटीशन में हिस्सा लिया नहीं,
और अब अचानक एशियन चैंपियनशिप में मुकाबले पर आ रहे हैं। मिस्टर डार्को, हर चीज की कभी न कभी शुरुआत होती है। यह खेल बहुत खतरनाक है मिस्टर जॉय। क्या करूं, खतरे से खेलने की कुछ आदत सी पड़ गई है। लेकिन आदत भी बहुत बुरी चीज है, और कभी कभी इस आदत को निभाने के लिए जान भी देनी पड़ती है। मिस्टर डार्को, मालूम होता है आप अपनी जान हथेली के लिए फिरते हैं। जी नहीं, इसे बड़ी हिफाजत से रखता हूँ। ये सब फांसी छोड़िए मिस्टर जॉय, और साफ साफ बताइए कि आप कौन हैं। समझ लीजिए मैं भी आप ही की तरह हूँ, जो नजर आता हूँ दरअसल वो नहीं हूँ। क्या मतलब? मतलब ये है मिस्टर डार्को कि मेरा कैलिंपोंग आने का असल मकसद जूडो नहीं। मेरा शुभा कभी गलत नहीं होता। फिर तुम्हारा क्या मकसद है? यहां से हिंदुस्तान में अफीम, चरस, गांजा और कोकीन ले जाना है। और आपको मुझसे ये कहते हुए डर नहीं लगता? दोस्तों से डर कैसा? और अगर मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूं फिर? सबूत क्या है? मिस्टर जॉय, आप हमारे मेहमान हैं, सबूत होगी तो हम मेहमान के खिलाफ नहीं पेश करते। मगर यह जानकर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि आप एक स्मगलर हैं। भी मेरा मतलब है मैं भी एक स्मगलर हूं, कैलिंपोंग में और भी होंगे। अगर आप मेरी मुलाकात उनसे करा दें तो आपका भी फायदा होगा। यानी 50-50। आप जा सकते हैं। आदाब। वेरी गुड। कैसे? वेरी गुड इंडीड। ये हाथ अगर किसी के सर पर पड़ जाए तो शायद खोपड़ी खुल जाए और भेजा बाहर आ जाएगा। हाँ मंगोल, जरा फिर से एक बार दिखा दो। Very good indeed. Wonderful. Fantastic. Remarkable. Darko, follow me. Yes, madam. Darko, तुम्हें अच्छी तरह यकीन है ये जॉय जासूस नहीं बल्कि स्मगलर है? Yes, madam. जिस वक्त वो मुझसे मिलने आया हुआ था, हमारे एक आदमी ने उसके कमरे में घुसकर उसके सामान की तलाशी ली, जिसमें से ये खत निकला है। मगर ये तो सिर्फ फोटो है। जी हाँ, मैंने खत का फोटो निकालकर खत फिर सूटकेस में वापस डाल दिया ताकि उसे शुभ न हो। इस खत से साफ जाहिर होता है कि वो बिन कासम का आदमी है, जो आप अच्छी तरह से जानती हैं कि 7 साल के लिए जेल में है। मार डालो उसे। आज की कुश्ती में उसे इस मंगोलियन से लड़वा दो। उसके सर पर ऐसा हाथ पड़ना चाहिए कि वो अखाड़े से जिंदा ना निकल सके। सर को अपने एक कहना मान ले मेरा।
करना सामना है मौत का, कुछ ख्याल कर अपना। It's a beautiful place. I am happy you like it. Mr. Joy, आज का ये जश्न आप ही के ऑनर में हो रहा है. Really? बड़ी बड़ी बातें हैं।
मेरी चाबी प्लीज। यस सर। लेकिन ये चाबी तो मेरी नहीं है। आपका रूम तो बदल दिया गया है। क्यों? ये नया कमरा हमारे यहाँ का सबसे अच्छा कमरा है और वो सिर्फ उन लोगों को दिया जाता है जो हनीमून के लिए आते हैं। हनीमून? तो फिर चलिए। माइक्रोफोन। मुझे तुम्हारे साथ आते हुए बहुत डर लगता है। कोई बात नहीं पपीता, कोई बात नहीं। मुझसे तो बड़े बड़े सूरमा डरते हैं। इसलिए नहीं। फिर किस लिए? कहीं मेरे बाप ने देख लिया तो? तो क्या होगा? कहता था फिर तुझे उस चपर कनारी के साथ देख लिया तो टांगे तोड़ दूंगा। किसकी? तुम्हारी। पपीता, तेरे बाप से कहना ये तांगे वांगे तोड़ने का ख्वाब देखना छोड़ दे। वो जानता नहीं कि किससे पाला पड़ा है। अरे अरे, मैं भी अपने नाम का वीर जी हूँ। अगर किसी के गर्दन पे हाथ रख देता हूँ ना तो चार करके बोलती है, और फिर अगर उसने ज्यादा चीं पटाक की तो एरोप्लेन फैन मारकर ऐसे वैसे दाव मारूंगा कि उसकी चीं बुलवा दूंगा। हाँ, कोने पे छोड़, तेरा बाप है क्या? रखिए रखिए, शौक से रखिए। बुजुर्गों का हाथ गर्दन पे नहीं होगा तो और कहाँ होगा। लेकिन जरा मुझे आदाब तो करने दीजिए, कमीज छोड़िए, फट जाएगी। एक ही है आदाब। नमस्ते, सलाम, याद रखना जी, वीर जी मेरा नाम। जी हो गया चपर कनाती, बोलिए। मेरी चाय बोलना चाहता था? नहीं, मैं तो बना है। हमारा खामोश हो गया। सुन लो, तुम जैसे डरपोक के यहाँ हमारे खानदान की लड़की कोई भी नहीं गई। तो अब चली जाएगी। क्या कहा? नहीं, मेरा मतलब है जितना आप मुझे डरपोक समझते हैं ना, माँ का समय उतना डरपोक नहीं हो। इसका फैसला कल अखाड़े में होगा। अखाड़े की? मैं तुम्हारी तरफ से रुस्ते में सिकम चैलेंज पाऊँ, बजरंग जंग को चैलेंज किया। जरूर कीजिए, और उस तरफ लड़िए, बहुत मजा है। नहीं, तुम्हें लड़ना होगा। अगर तुम कल अखाड़े में जीत गए तो इसके साथ शादी होगी। थैंक यू, थैंक यू। और अगर तुम हार गए? समझ गया, मैदान ले जाइए। जाना, पिताजी बुलाते हैं। ले गया, माटी मिला, अखाड़े में लड़ना होगा। जरूर लड़ूंगा, जरूर लड़ूंगा। बाबा बाबा, क्या बात है शेरे, कम क्या जिस्म पाया है। वाह वाह, एक बार देखो। अरे साहब, क्या ताकत है ना। मैं क्या खाकर आपका मुकाबला कर सकता हूँ? अजी, मेरे दादा, परदादा, अक्खर दादा भी आ जाए तो आपका मुकाबला नहीं कर सकते। पौधे में एक बात कहूँ, कल की कुश्ती में तुम मुझसे चिट हो जाओ। अरे मान जाओ पहलवान, सुना है वैसे भी जंगल में कुश्तियां बनावटी होती है। तुम्हें कैसे मालूम? बस मालूम है, एक शर्त पे चित हो सकता है। बोलो बोलो बोलो। जीत का जो इनाम मिलेगा वो मेरा हो। मान लिया। नहीं पहलवान जी, इनाम में तो मुझे छोकरी मिलने वाली है जिससे मेरी शादी होने वाली है। तो फिर मैं क्यों चित हूँ? कितना दहेज में आएगा उतना तुम्हारा? हो गई, हो गई। जितना दहेज में आएगा मेरा, दुल्हन तेरी। और एडवांस में? एडवांस भी देना पड़ेगा।
अच्छा भाई ये लो, बड़ी मुश्किल से एक दोस्त से उधार लाया 500 रुपए 500। लेकिन याद रखना मेरे पेट पे मत मारना। क्यों? मेरे पेट पे मार लगते ही मेरी खोपड़ी ढुक जाती है और सामने वाले का मत कचूमर खा। कचूमर मत बनाओ, कचूमर मत बनाओ, मगर बात तो पक्की हो गई ना। पक्की। डबल नहीं तो सिंगल नंबर ही दे दो। अबे ढंपो के, एक ऐसा चाटा मारूंगा कि पंजे का निशान रह जाएगा। हाय पंजा, थैंक यू बाप, थैंक यू। यार क्या प्रोडक्शन भेज रहे हो, कोई काम करना ही नहीं चाहता, लॉटरी और मटके के नंबर पे गुजारा करना चाहते हैं। उधर लीडर ये कहते हैं कि आराम हराम है और इधर सब हराम की आराम से खाना चाहते हैं। ले बे, ये कौन नया लड़का है, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। ये मेरा नया दोस्त पिंबा है। पिंबा है? ले बे, ले बे, तू भी ले। खा 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 खा। अबे नदी पार की तू क्या खबर लाया? बंद कर। प्रिंसेस। यस। तुम लोगों ने जो मेरे कहने पर जॉय को लुभाने की कोशिश की वो ठीक तो था, लेकिन कोई खास असर नहीं हुआ। हमें अफसोस है। तुम जा सकते हो। लेकिन मैंने कह दिया है तुम जा सकते हो। प्रिंसेस, ये जो जॉय है ये कच्ची गोलियां खेला हुआ नहीं है, उसको रिझाने के लिए तुम्हें कुछ और भी करना होगा।
क्लब की डांसर के तौर पर मैं जो भी कर हाँ हाँ वो तो तुमने किया ही है, लेकिन अब तुम्हें एक औरत की हैसियत से कुछ करना होगा। ये आदमी जो कैलिंगपोंग रेसलर बनकर आया है और अंदरूनी तौर पर बताता है कि वो स्मगलर है, वो दरअसल कौन है और क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। लेकिन ये मैं कैसे जान सकती हूँ? उसके दिल में जगह करके। उसके लिए तुम्हें अपना दिमाग और जिस्म दोनों से काम लेना होगा। ये मुझसे नहीं होगा। तो फिर तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो तुम्हारे बाप का हुआ था। यह मेरा ऑर्डर है, तुम जॉय के पास जाओगी, कुछ भी करोगी और ये मालूम करोगी उसके कैलिंगपोंग में आने का मकसद क्या है, समझे? बड़ी बड़ी आप कपड़े पहन लीजिए, मैंने आंखें बंद कर रखी हैं। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप यहां कब, क्यों और कैसे आई हैं? मैं अभी थोड़ी देर पहले दरवाजा खोलकर आपसे मिलने आई हूं। तशरीफ लाने की वजह? हुक्म की तामील। किसके? दिल के। जरा गौर से सुनकर बताइए कि आपके दिल में कौन बैठा हुआ हुक्म दे रहा है। जरा आप ही कान लगा कर सुन लीजिए ना। मुझे तो सिर्फ दिल की धक धक सुनाई दे रही है। दिल जोर जोर से धड़क रहा है ना? हाँ है तो बताइए क्यों? कभी कभी सीढ़ी चढ़ने से दिल ज्यादा धड़कने लगता है। तुम्हें तो इतना भी नहीं मालूम, तुम तो निर्लिप पहलवान हो। Thank you.
किसी दिन इन जीपों में सामान लादा जाता है, किसी दिन इन जीपों से सामान उतारा जाता है। बस मुझे इतना ही मालूम है, बाकी इन बॉक्सेस में क्या है ये नहीं मालूम। पापा पापा पपीता 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 आओ पपीता 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 पापा पपीता इसको हटाओ डरा डरा डर लगता है। यहाँ क्या करना है हो? मैं आपकी नहीं नहीं मेरा मतलब मैं अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ मिलने का टाइम दिया तो मैंने। कौन है तुम्हारी गर्लफ्रेंड? बताता हूँ, ये उस जिप्सी की लड़की है जो वहाँ माल उतरवा रहा है, स्मगलर है साला, मगर यही मेरा होने वाला ससुर है। अगर इसने अपनी लड़की की मुझसे शादी नहीं की तो साले को जेल भिजवा दूंगा। क्यों जी, 10-20 साल के लिए तो जाएगा ना? नहीं नहीं पूछ रहा हूँ। देखो अगर तुम्हें उसकी लड़की से शादी करनी है तो मैं करवा सकता हूँ। क्या? मेरी मुलाकात उससे करवा दो। किससे? लड़की से? अरे नहीं, फिर उसके बाप से। हाँ ठीक है ठीक ठीक, उसे मुझसे बहुत फायदा होगा। उसके बाद वो मेरी हर बात मानेगा और मैं तुम्हारी शादी जल्दी करवा सकता हूँ। तो फिर मैं भी तुम्हारी मुलाकात कल ही करवा देता हूँ। नमस्ते बाबा। नमस्ते। ओ बाप रे, आस्ते जरा आस्ते। नमस्ते नमस्ते। तुम कम से हो कम से इनसे मिलिए, ये है मिस्टर जॉय। तुम्हारा यहां आने का मकसद? मकसद सिर्फ बिजनेस। बिजनेस? चलिए आइए। तुम मुझे तुम निगाहों से बचकर कहां जाइएगा? जहां जाइएगा हमें पाइएगा। तुम मुझे क्या दोगे? अभी तुम्हें क्या मिलता है? 100 में 10। मैं तुम्हें 15 दूंगा। नहीं चलेगा। 17.5? नहीं, मैं 20 लूंगा। माल कहां से आता है? इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। पैसा कब देना होगा? इस हाथ दे उस हाथ ले। क्या माल है? कोकीन, गांजा, चरस, अफीम। सौदा पक्का हो गया, लाओ हाथ लाओ। तो फिर मैं चलता हूं। आज पूरा चांद है, रात भर कैंप में नाच गाना होगा। आप भी चलिए। नाच गाना, यही तो मेरी कमजोरी है।
लाइए, मुझे करने दीजिए। जख्म पर मरहम दूसरा कोई रखे तो अच्छा होता है। एक हाथ से जख्म लगाती हो और दूसरे से मरहम रखना चाहती हो। आप मुझसे नाराज मालूम होते हैं। बताइए तो, मैंने कौन सी गलती की है? नहीं, तुमने कोई गलती नहीं की। सिर्फ जिस काम को करने की कसम खाई है उसे बहुत अच्छी तरह से कर रही हो। खेलना मुश्किल नहीं मालूम पड़ता? तुम चाहते तो नहीं, हीरो अच्छा हूँ तो मुश्किल अच्छी और ही आसान हो जाती है। लाइए, मैं आपके जख्म को अच्छी तरह से धो दूँ। प्रिंसेस, पत्थर में जोंक नहीं लगती। जाओ। कल की बात कल खत्म हो गई जब तुम मुझे शीशे में उतार रही थी और मैं तुम्हें बेवकूफ बना रहा था। मैंने सोचा था आपका सहारा लेकर मैं उस मुसीबत से छूट जाऊंगी जिसमें किस्मत ने मुझे फंसा दिया है, लेकिन आप वैसे नहीं निकले जैसा मैंने समझा था। प्रिंसेस, तुम कहना क्या चाहती हो? कुछ नहीं। अगर तुम्हारी कोई मजबूरी है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मेरी आंखों के सामने मेरे डैडी को गोली मार दी गई। मेरे पास सिवाय इसके कोई चारा ही नहीं था कि मैं उनमें रहकर उनकी कहने पर चलूं। तुम सचमुच इन स्मगलरों को छोड़ना चाहती हो? हाँ। तुम मेरी बात मानोगी? मानूंगी। तुम रोजा को यकीन दिला दो कि मैं एक खतरनाक स्मगलर हूं और उसके काम आ सकता हूं। तुम उनका साथ दोगी? जहर को जहर ही काटता है। तुम नहीं समझोगे। तुम ये कोशिश करो कि रोजा मुझे अपनी गैंग का मेंबर बना ले। करोगे ना? हसन, मैडम जो काम आपने मेरे सपोर्ट किया था वो काम अब पूरा हो गया है। तुमने मालूम किया ये जॉय कौन है? जॉय? जॉय एक बहुत खतरनाक स्मगलर है जिसे न जान लेने का डर है न जान देने का। यहाँ क्यों आया? सप्लाई के इंतजाम के लिए। अकेला हमसे टक्कर लेगा? वो जिस गैंग में था वो गैंग अब टूट चुका है और उसका पहला बॉस 7 साल के लिए जेल में है। अगर लालच दिया जाए तो हम लोग के साथ भी आ सकता है। और ये सब कब हुआ? बस
अभी कुछ देर पहले। मगर मुझे तो सिर्फ म्यूजिक सुनाई दे रहा था। जी जी। कल रात उसे क्लब ले आना, मैं उसे खुद मिलूंगी। जी। अच्छा तो लीजिए 200 की मेरी प्लाइट, ये 400 हमारी तरफ, 200 हमारी तरफ। आज सेठ जी का मत बड़ी फ्लो पे है, वंडरफुल। 300 के नीचे सर हमारे तरफ से 400 का प्लान। ओहो चलिए सेठ जी। यहाँ तो लोगों की खाल उतारने का सारा इंतजाम है। एक कवर एक चाल मेरी तरफ। चाल न चलिए सेठ जी, शो करवा लीजिए, तिजोरी में माल कम नजर आता है। आप शो कराइए। मैं जी, अब जी नहीं, मैं तो 1000 की चाल चलूंगा साहब। ये लीजिए 1000 की चाल। शो सेवन एट नाइन सेठ जी, अगर टैक्सी वैक्सी का पैसा रहो तो मुझसे ले जाओ। जरा खैरिये सेठ जी, मैं आपकी तरफ से किस्मत आजमाता हूं, नुकसान होगा तो मेरा, फायदा तो माल आपका। बॉय डोंट दिस। कार्ड प्लीज। थैंक यू। करो, जो बड़ा होगा वो बांटेगा। जान आदमी के साथ ब्लाइंड नहीं करता। ₹100 मैं चला। सिर्फ 200 रुपए। मैं ₹250 ओवर कर देता हूं ताकि चाल ₹500 की हो जाए। क्यों? ₹500 था चला। 500 मेरे। ₹500 की मेरे। 1000। 1000 1000 ओवर। 2000 की चाल। 2000 पत्ते देखिए मिस्टर जॉय, 3 से ज्यादा ओवर नहीं कर सकते। क्या ये क्या बच्चों का खेल हुआ? दो हजार
3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 1,000 10,000 5 चलो अच्छा हुआ मुकाबला दो में अच्छा होता है मैं अनजान आदमी से तो लड़ता भी नहीं शो कीजिए तुम पत्ते लगाते हो तुम तीनों भी तो लगाते हो सबूत क्या है इसका इसका भी क्या सबूत है तुम ये मान नहीं ले जाते कौन है मिस्टर जॉय जॉय दैट्स राइट चलो मेरे साथ hey. मैंने तुम्हें क्लब में इसलिए बुलाया था कि मैं तुमसे मिलना चाहती थी मारपीट और तोड़फोड़ करने के लिए नहीं तोड़फोड़ का मुझे अफसोस है लेकिन अगर कोई मुझे चैलेंज करे तो मुझसे पीछे नहीं हटा जाता तुम शायद ये भूल गए हो कि तुम दुश्मन के घर में हो नहीं मैडम बल्कि मुझे याद था कि मैं यहां मेहमान हूं चीयर्स It's a very nice drink. आखिर ये तुम्हारा चक्कर क्या है बिजनेस इस इलाके में नहीं चलेगा वजह वजह बहुत सिंपल है हम कंपटीशन बर्दाश्त नहीं करते पार्टनर्स लेते ही नहीं अफसोस की बात है मैं अपना बिजनेस इसलिए शुरू करना चाहता हूं क्योंकि पहले जिसके साथ काम करता था उसका दीवारा निकल गया और वो 7 साल तक मार्केट में नहीं आ सकता है क्यों करेक्ट मैं जानता हूं किसी तगड़ी कंपनी के लिए काम करना ज्यादा अच्छा है बनिस्बत अकेले करने की और मैं भी समझती हूं बिजनेस में दुश्मन को मुकाबले पर खड़ा करने की बजाय साथ ले लेना बेहतर हाथ मिलाइए नॉट सो फास्ट मिस्टर मेरे यहां के काम करने वालों में सबसे बड़ी खूबी यह होनी चाहिए कि वो ईमानदार और वफादार हो श्योर मैडम श्योर मेरी भी यही आदत है एक बार जिसे वफादारी की कसम देता हूं आखिरी दम तक उसे निभाता चाहे इसके लिए झूठ बोलना पड़े फरेब देना पड़े जान लेनी या देनी पड़े मैडम मैं आपको यकीन दिलाता हूं अपनी इस आदत को नहीं छोड़ूंगा ओके थैंक यू डू यू माइंड प्लीज दिस हैपन्स टू बी माई बेडरूम आई एम सॉरी मैडम सॉरी सॉरी
वाह डार्को साहब, क्या निशाना, वाह 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 वाह। वाह वाह वाह, क्या निशाना है। बेचारी बोतल के टुकड़े टुकड़े हो गए। तुम ट्राई करो। नो थैंक यू मिस्टर डार्को, मैं ऐसी चीज पर निशाना नहीं लगाता जो अपनी जगह से हिल नहीं सकती हो। घुमाओ। वेरी गुड। वेरी गुड। गुड। वाह 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 वाह, वंडरफुल वंडरफुल जॉय। मैंने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े निशानेबाज देखे, मगर तुम्हारी जैसी फुर्ती और निशाना मैंने किसी और में नहीं देखा। थैंक यू मैडम। मेरा ख्याल है मिस्टर डार्को आउट ऑफ प्रैक्टिस है। हाँ भाई डार्को, तुमको थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। छोड़ो गुस्सा थूक दो, मुझे तुम लोगों से जरूरी बातें करनी है। चलो जॉय, तुम भी आओ हमारे साथ। आइए। पाउंड कोकीन का ऑर्डर है जो बॉर्डर के उस पार किसी आदमी को पहुंचाना है, लेकिन 3 पाउंड कोकीन की कीमत है 3 लाख रुपए। इसलिए मैं इसे एक ऐसे आदमी के हाथ भिजवाना चाहती हूं जिस पर मुझे पूरा भरोसा हो। क्यों जॉय, तुम ये काम कर सकते हो? अगर आपको मुझ पर भरोसा। बरखुरदार, सुनने में गलती कर रहे हो। मैडम ने 3 पाउंड कोकीन कहा है, चॉकलेट नहीं। जानता हूं डार्को, नीयत तो नहीं बदल जाएगी। आजमा कर देखिए। खतरे की कोई बात नहीं, हो भी तो मंजूर है। इसमें सिर्फ थोड़ी होशियारी की जरूरत है। आपको मायूसी नहीं होगी। वेरी गुड, तो फिर आज ही रात को रवाना होने की तैयारी करो। थैंक यू मैडम। गुड लक। वापसी पर आपके लिए चॉकलेट जरूर लाऊंगा। डार्को, एक 3 पाउंड का पैकेट तैयार करो जिसमें सिर्फ रेत हो। रेत? जी हाँ, ये तो मैं सिर्फ इसकी वफादारी और होशियारी का इम्तिहान ले रही हूं। अगर पैकेट इसने पहुंचा दी तब तो ये भरोसे का आदमी है, और अगर लेकर भाग गया तो फिर छुट्टी। वंडरफुल। थोड़ी देर के ही तो मैं ये समझा था कि उसने आपको अपनी मुट्ठी में ले लिया है। रोजा किसी की मुट्ठी में नहीं आती। Control room to Golden Eagle. Control room to Golden Eagle. Can you get me? Over. Golden Eagle to control room. Over. 3 पाउंड पाउडर लेकर एक आदमी को भेजा गया है। इत्तला मिली है कि वो हमें धोखा देने की कोशिश करेगा। माल की डिलीवरी बहुत संभाल कर लेना। Over. माल में अगर गड़बड़ है तो क्या किया जाए? Over. उसे जिंदा बचकर मत जाने दो। Over and out. बॉर्डर पे इत्तला दे दो कि आने वाला आदमी जिंदा बच के ना जाए।
शाबाश, आओ मेरे साथ। आपका माल। शुक्रिया, ये रही आपकी गाड़ी। ये गाड़ी? ये तो खटारा है। है तो खटारा है, लेकिन स्मगलिंग के काम के लिए बहुत मजबूत गाड़ी है। रियली? थैंक यू। अरे ये तो रेत जाएगा। अजी साहब मैं कहती हूँ कि फिक्र ना कीजिए, माल पहुंच जाएगा। थैंक यू मैडम। ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है मैडम? आपने तो कहा था कि पैकेट को पहुंचाने में कोई खतरे की बात नहीं होगी, फिर भी मेरी ये हालत हो गई। मैंने तो सिर्फ तुम्हारी वफादारी का इम्तिहान लेने के लिए तुम्हें भेजा था। मैं यकीन से कहती हूँ उसमें कोई खतरे की बात नहीं थी, लेकिन आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे? शायद आपको मालूम नहीं, मेरी ये हालत करने वाले
हमारे ही आदमी थे। नामुमकिन, हमारे आदमी तुम्हारा पीछा क्यों करेंगे? खैर, जो कुछ भी है, आज से हमें ना तुम्हारी वफादारी पे और ना बहादुरी पे शुबा है। आज से तुम मेरे खास आदमी हो। ये जख्म हमने तुम्हें दिए है ना? जी हाँ, हम ही इसका इलाज करेंगे। ज्यादा पी जाओगे तो नाचोगी कैसे? मेरा काम तो लोगों के इशारों पर नाचना है। चीयर्स। चलिए। Thank you.
आता है प्यार से गुस्सा, हमको गुस्से से प्यार आता है। जरा देखो कितना सुर्ख गुलाब लाई, जरा इसे अपने दिल के करीब लगा कर देखो। अच्छा तो मेरे बालों में लगा दो, ये लो। गुलाब यानी रोज, रोजा, मुझे नफरत हो गई इस नाम से। तुम्हें नफरत है तो मुझे भी नफरत है। जरा सोचो अगर गुलाब से नफरत करने वाले दो दिल आपस में मोहब्बत करने लगे तो क्यों बात ना? Thank you.
दुनिया में आओ ऐसी सुहानी बस्ती मिलेगी, हाथों में कोई महासागर न होगा, आंखों में लेकिन मस्ती मिलेगी, मतवाली हो रातें रातों में ये बातें कैसी होती है न पूछो, हाँ जवानी का जवानी का ये आलम है खुदा हाफिज तुम्हारा। ऐसा दमकता गोरा बदन है जैसे चमकती बिजली गगन में, चाल में ऐसा मस्तानापन है जैसे हवा का झोंका चमन में, जुल्फों का लहराना लहराना बलखाना जैसे सावन का महीना, जवानी का जवानी का ये आलम है खुदा हाफिज तुम्हारा। सड़क जाता है इस घर से कभी दिल भी हाँ हमारा, के दुश्मन कोई भी हमारा बने ना, हमारे सिवा कोई तुम्हारा बने ना, हमारे सिवा कोई तुम्हारा बने ना, हमारे सिवा कोई तुम्हारा। उसका कुछ पता चला? कुछ नहीं, मैंने उसके कमरे पर आदमी भेजा था मगर वो कहता है सुबह से उसका कहीं पता नहीं। मालूम होता है मेरी तलाश में कुएं में ढोल डाले जा रहे हैं। कौन कहां थे दिन भर? दुश्मनों की तलाश। कौन सा दुश्मन? नाम ही तो नहीं बता सकता। कल रात जब मैं सो रहा था तो किसी ने मुझ पर हमला किया, उसका मुंह ढका हुआ था, सिर्फ हाथ नजर आया जिसमें 12 इंच का खंजर था। तो जब तुमने चेहरा ही नहीं देखा तो कह भी नहीं सकते कि वो कौन था। कह तो सकता हूं मगर कहूंगा नहीं। सबूत ना हो तो कहना भी नहीं चाहिए। सबूत की जरूरत अदालत को होती है मिस्टर डार्को। तुम्हें किसी पर शक है? अगर हो भी तो उसका नाम नहीं लूंगा। क्यों? वक्त आने पर खुद ही निपट लूंगा। कंट्रोल रूम। इंचार्ज क्या हुआ था? जनरेटर में एक नुक्स था, निकाल दिया, अभी फिर से ठीक चल रही है। थैंक यू, गुड वर्क जॉय। तुमने आज तक हमारी ये फैक्ट्री नहीं देखी? जी नहीं। चलो आज हम तुम्हें दिखा देते हैं। हाँ, ये हमारा अपना जनरेटर है जो हमारी फैक्ट्री को पावर सप्लाई करता है। हमारे अपने पावर सप्लाई की इसलिए जरूरत है ताकि बाहर वाले शुभ न करें कि इतने बड़े होटल के नीचे एक इतनी बड़ी फैक्ट्री चल रही है। करेक्ट, कम अलोंग। फैक्ट्री को गवर्नमेंट की नजरों से बचाने के लिए ये जरूरी था कि हम पावर का कनेक्शन बाहर से न लें। और तुम्हें मालूम है कैलिफोर्निया में हर मुल्क का जासूस पड़ा है लेकिन इस फैक्ट्री की कान-कान खबर किसी को नहीं। अरे ये साले जासूस क्या खाक हमारा पता लगाएंगे? हाँ, अगर कोई घर का भेदी लंका ढाए तो दूसरी बात है। कम ऑन जॉय, मगर यहाँ तो 1500 आदमी काम करते हैं। एक नहीं दो नहीं लेकिन 1500 आदमियों ने इस राज को छुपा रखा है। वैसे मैडम एक मशीन से कितने सिगरेट निकलते हैं? एक घंटे में 10,000, और अगर जरूरत पड़ जाए तो इसकी तादाद दुगनी भी की जा सकती है, तिगनी भी की जा सकती है। रियली? तब तो इन सिगरेटों की पब्लिसिटी जबरदस्त करनी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस किस्म की सिगरेट पिए।
कोई इश्तेहार की जरूरत नहीं। जब एक आदमी को नशे की आदत होती है वो दूसरे सौ को घसीट लाता है। कम लेट्स गो। करेक्ट। इतने गांजे के सिगरेट्स, कितने लोग बर्बाद होते होंगे। आई मस्ट डिस्ट्रॉय इट। आपका पीछा कर रहा है। तुम मालूम है, बड़े फैदर आदमी है, इसे अभी तक मुझ पर शुदा है। बाधा क्या है? डेफ्टी का पता चल गया। आगे क्या करना है? तुम्हारी जरूरत होगी। काम 50 फायर होसेस का इंतजाम करो। आग बुझानी है? नहीं, लगानी है। इन फायर होसेस में कार्बन डाइऑक्साइड की जगह ऑक्सीजन होनी चाहिए। मकसद? मकसद ये कि फैक्ट्री की वायरिंग में शॉर्ट सर्किट करा के एक छोटी सी आग लगाई जाएगी, जिसको बुझाने के लिए फायर होसेस इस्तेमाल किया जाएगा। आग बुझने के बजाय और बढ़ गई। अरे यार, इतना लंबा क्यों जाते हो? इस डंपो की फैक्ट्री को एक टाइम बम रख के क्यों नहीं उड़ा देते? इससे ये जाहिर हो जाएगा किसी बाहर वाले का काम है। वो लोग चौकन्ने हो जाएंगे। आग लगेगी तो सिर्फ एक एक्सीडेंट समझा जाएगा। तुम फायर होसेस का इंतजाम करो। वो इंतजाम करता हूं तो डंपो के याद रखेंगे। हेलो, गे क्लब इनकॉर्पोरेटेड, जरा मैनेजर साहब को फोन दे दीजिए, बहुत अर्जेंट है। जी हाँ, बोलिए, क्या बात है? हमें बहुत अफसोस है मैनेजर साहब, हमने जो फायर होसेस आपको सप्लाई किए थे वो सब के सब बिल्कुल बेकार हैं। आप हैं कौन? तुम्हारा बाप? मेरा मतलब है माई बाप, मैं फायर फाइट लिमिटेड का जनरल मैनेजर बात कर रहा हूं। हमने आपको कुछ फायर होसेस सप्लाई किए थे, टेस्ट करने पर मालूम हुआ वो सब के सब खराब हैं। इससे पहले कि आपके यहां कोई नुकसान हो, हमारी कंपनी ये चाहती है कि उसके बदले के नए फायर होसेस आपको सप्लाई कर दिए जाएं। आप एकदम अहमक हैं। आप लोग ये होसेस सप्लाई करने से पहले टेस्ट नहीं करते क्या? अगर कोई एक्सीडेंट हो गया होता फिर? जल्दी भेजिए होसेस। हां जी भेजिए। गरम न होइए जनाबे अली, मैं अभी अभी भेजता हूं। प्लीज साइन इट सर। तुम अपनी कंपनी वालों से मेरी तरफ से कह देना कि उनकी सर्विस एकदम थर्ड क्लास है। अगर कैलिम्पोंग में कोई और फायर होसेस सप्लाई करने वाली कंपनी होती तो हम तुम्हारे यहां से एक कौड़ी का माल नहीं खरीदते। बहुत अच्छा, मैं जरूर जरूर कह दूंगा। मगर साहब, ये फायर होसेस लगेंगे कहां कहां? ये लगेंगे नहीं, हमारे आदमी फायर होसेस लगा लेंगे और पुराने जो फायर होसेस हैं ना वो तुम्हें वापस कर दिए जाएंगे। ये लो। सलाम साहब। Thank you.
बॉस फैक्ट्री ब्लास्ट हो गई। ब्लास्ट हो गया? जी हाँ, और डाको ने हमें जल्दी बुलाया है। जल्दी बुलाया? हाँ जी, चलिए चलिए चलो। ओह मेरी, आपकी, मेरी, आपकी, मेरी, ओ आपकी, मेरी 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 मेरी। मेरा दिल कवा ही देता, ये आग एक्सीडेंट से नहीं लगी, पहले के सपोर्टा जो है फैक्ट्री का नामो निशान भी नहीं रहा। मिस्टर पांबा, साबोताज इसलिए नामुमकिन है क्योंकि फैक्ट्री में गैर आदमी तो क्या, परिंदा भी घुस नहीं सकता है। और हो सकता है कि सबोटाज करने वाला कोई गैर नहीं बल्कि अपने में से ही कोई हो। डार्को, आजकल तुम्हारी आदत हो गई है जो मुंह में आया भग देते हो। आई बिग योर पार्डन। चेहरा बंद करो, आगे फैक्ट्री के तबाह होने से बहुत नुकसान हो गया है और उसको शुरू करने के लिए जितना पैसा और मशीनरी 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 मिल जाएगी। थैंक यू, मिल जाएगी। इसलिए कि ये आदत नौजवानों को कमजोर बना देती है। राइट मिस्टर चेयरमैन, मुझे एक बात कहनी है। कहिए। लेकिन मेरी मर्जी है कि यह साहब मिस्टर जॉय बाहर चले जाए। इसकी कोई जरूरत नहीं, आप जॉय पे भरोसा कर सकते हैं सर। आप बाहर चले जाइए। बाहर चले जाइए। यह आदमी इंडिया का जासूस है। ये बात आप किस तरह से? मैं जो कुछ कह रहा हूं सोच समझकर कह रहा हूं। अगर आप मुझे 8 घंटे की मोहलत दें तो मैं इसकी फाइल आपके सामने रख सकता हूं। मिस्टर पांबा, फाइल लाने का इंतजाम कीजिए। अगर ये बात साबित न कर सके तो मेरे आदमी को बदनाम करने का हर्जाना भरना होगा। मैडम, 8 ही घंटे की तो बात है, फिर देखते हैं किसे हर्जाना भरना पड़ता है। आज ही रात को डिनर के बाद इस बात का फैसला हो जाएगा। रोजा जी सर, अपने मेहमानों की इस तरह से खातर करो कि वो अपनी फैक्ट्री के नुकसान 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 को भूल जाए। को भूल जाए। बेहतर है सर। हेलो जॉय। हेलो। मेरे मेहमानों का ख्याल रखना। जरूर। हाय जॉय। हाय जॉय। मिस्टर जॉय, हमने सुना है आप बहुत अच्छा निशाना लगाता है। सेठ जी, किसी ने आपको गलत खबर दे दी है? क्या बात करता है, हमारा खबर कभी गलत हो ही नहीं सकता भाई। तो फिर हो जाए हो जाए हो जाए मुकाबला। मिस्टर जामलो, ये मुकाबले का वक्त नहीं है। बहादुर आदमी कभी भी मुकाबले से मुकाबले से मुकाबले से नहीं डरते। नहीं डरते? ये डर की बात नहीं है मैडम। पन का मतलब लेकिन। बहुत खूब। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मगर मिस्टर जानलो, बेजान चीज पर निशानेबाजी बच्चों का खेल मालूम होता है। तो बच्चों का खेल मत खेलिए, यहाँ जानदार चीज 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 है। तशरीफ आइए ना। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड।
तुमने उसे मार 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 डाला। ये आपकी 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 गलतफहमी है। जॉय, मैंने अपने मेहमानों की तफरीह के लिए एक पिकनिक का प्रोग्राम बनाया है। कल सुबह हम टॉय ट्रेन लेकर वादी में चले जाएंगे। दिन भर वहीं रहेंगे। ये सारा इंतजाम तुम्हारे जिम्मे है। मैडम, बॉस ने आपको बुलाया है। मैडम, आप पिस्तौल बाहर छोड़ जाएंगे? मैं? जी हाँ, सबके पिस्तौल बाहर रखे हुए, आपके लिए भी ये हो। तुमने ये साबित 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 कर दिया है कि तुम इस पोजीशन के काबिल नहीं हो। अगर एक औरत निकली और निहायत ही बेवकूफ। मिस्टर चेयरमैन, मुझे एक मौका दीजिए, इस जॉय की बोटी बोटी कर दूं। लाओ, हमारी जगह आज से डार्को है। और अब डार्को तुम्हें सजा देगा। मैं
ट्रेन और पिकनिक का इंतजाम पक्का है। पक्का है, पक्का है, पक्का है, पक्का है। चलो बे, चलो 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 चलो। मंगोल, इंतजाम करने जाता हूँ। सबकी निगाहों में धूल झोंककर भागना चाहते हो? नहीं, चाहती तो सिर्फ लगता हूँ कि जिन गद्दारों के साथ रहकर तुम अपने मुल्क के नौजवानों को अफीम, चरस व गांजा खिला पिलाकर बर्बाद करना चाहती हो, मैं उन्हें बचाना चाहती हूँ। तुम जो भी बको, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी, चाहे मुझे तुम्हारी जान लेनी पड़े। अपनी गैंग से गद्दारी करके तुम अपने देश के पुलिस को यहाँ लाकर जड़ को बचाना चाहते हो? गद्दार मैं हूँ या तुम? होश में आ गए मिस्टर जॉय? तुम्हारी जासूसी की कलाई खुल चुकी है और तुम्हारी रोजा मौत के घाट उतारी जा चुकी है। हाँ, और थोड़ी ही देर में तुम भी उसी घाट उतारे जाओगे। मशीन ऑन करो। बॉस, गजब हो गया, हेलेन मारी गई। मगर कैसे? प्रिंसेस को जान से मारने की कोशिश में अपनी ही छुरी से मारी गई। और प्रिंसेस का क्या हुआ? वो हमारे कब्जे में है। तुम्हारी मौत एक रात के लिए टल गई है,
जॉय साहब के नजदीक एक टाइम बम लगा दो और उसे कल सवेरे 11 बजे पर सेट कर दो। और कल सवेरे 11 बजे जब हमारी टॉय ट्रेन सोनाडा से गुजरेगी, जो यहां से 6 मील पर है, तो वहां तुम्हारी प्रिंसेस रेल की पटरी पर बंधी हुई होगी। और जिस वक्त रेल के चक्के उसके जिस्म के 2 टुकड़े कर रहे होंगे, उस वक्त ये बम फटेगा। सुना तुमने? मुझे धन्यवाद दो मिस्टर जॉय कि मैंने तुम दोनों के मरने का एक साथ इंतजाम कर दिया है। मोती, अरे ये तो जॉय के वही जूते हैं। कुछ गड़बड़ मालूम होती। जाओ मोती, जूते वाले की तलाश करो। जाओ जा जा चल 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 भाग भाग जल्दी भाग भाई। मोती जल्दी से वो बम फेंक दो जल्दी। कमाल है, इतना वक्त हो गया है, मिस्टर जांगलू कहीं पता नहीं। माय गॉड, आपने जो टेलीफोन किया था उसका क्या हुआ? वो तो निकल चुके हैं जी। निकल चुके हैं, आएंगे कब? अरे भाई काफी देर लगा दी। ये लो तुम्हारे जूते, और वो बम कहाँ है? पुल उड़ाने के लिए। सारा प्रोग्राम गड़बड़ हो गया, अब जैसे मैं कहता हूँ वैसे करो। आओ चलो। शुक्र है आप लोग तशरीफ ले आए, मगर वो मिस्टर जांगलू कहां है? यस मिस्टर डार्को। वेल मिस्टर जांगलू, आपके जैसे रोबदार और ईमानदार बिजनेसमैन के लिए टाइम का पाबंद होना बड़ा जरूरी है। आप 5 मिनट लेट हैं। 5 मिनट की देरी मामूली बात है। जी हाँ, बात तो मामूली है, मगर मेरी प्लानिंग में बहुत बड़ा फर्क पड़ गया है। अब लड़का 5 मिनट पहले मरेगा और लड़की 5 मिनट के बाद। मरने दो। तो आइए टॉय ट्रेन की सैर करें, तशरीफ लाइए। आइए चलिए। बात साहब ट्रेन चालू की जाएगी। नहीं पहले आप। पहले आप? नहीं पहले आप। आओ 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 Thank you.
टेम्पो का।
दमकता गोरा बदन है जैसे चमकती बिजली गगन में चाल में ऐसा मस्तानपन है जैसे हवा का झोंका चमन में जुल्फों का लहराना लहराना बलखाना जैसे सावन का महीना जवानी का जवानी